हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे मलाई की रबड़ी। सबसे पहले कढ़ाई में 1 लीटर दूध डालेंगे। आप अपने जरूरत के हिसाब से दूध बढ़ा सकते हो। दूध में उफान आ चुका है, गैस को स्लो कर देंगे। अब इसको धीमी आंच पर उबलने देंगे। मलाई ऊपर आई है, इसको चम्मच से साइड में कर देंगे। जिससे दूध का उफान बैठने के बाद दूध को चला लेंगे। साइड में जो मलाई लगी है उसको वैसे ही रहने देंगे। जैसे जैसे मलाई आती जाएगी वैसे वैसे उसे साइड में इकट्ठा करते रहेंगे। ध्यान रहे हम बड़ी कढ़ाई लेंगे जिससे मलाई आसानी से साइड में इकट्ठी होती रहे। देखिए उबाल आने के बाद मलाई आ गई है। अब इसे कढ़ाई की साइड में इकट्ठा कर लेंगे। तरीके से हम मलाई इकट्ठी करती रहेंगे। फिर से मलाई आ गई है, इसे दोबारा साइड में इकट्ठा कर लेंगे। इसको तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक दूध बहुत कम ना रह जाए। देखिए काफी टाइम तक मलाई उतारते उतारते दूध काफी कम हो गया है। सारी मलाई साइड में लग गई है। अब गैस बंद कर देंगे। लगभग 3 चम्मच चीनी डाल देंगे।
अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद ही मलाई को उतारेंगे। देखिए ये हल्का ठंडा हो चुका है, चीनी भी घुल चुकी है। अब इसमें कटे हुए पिस्ता, चिरौंजी, इलायची पाउडर डाल देंगे। अब चाकू से बीच में कट लगाएंगे। अब इसको चाकू से उतार लेंगे। काफी अच्छी खुशबू आ रही है। मलाई की रबड़ी बनकर तैयार है। इसे एक बार अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।